हेलो स्टूडेंट्स लेट सी द क्वेश्चन सो द क्वेश्चन सेज व्हाट विल बी द मोलिकुलर फॉर्मोला ऑफ एल्युमिनियम नाइट्राइड एल्युमिनियम नाइट्रेट के लॉलिकुलर फॉर्मोला लिखने के लिए हम क्या करेंगे एल्युमिनियम लिखेंगे और नाइट्रोजन लिखेंगे राइट अब इसके वैलेंसीज को लिख लेते हैं देखो जो नाइट्राइड है ना ये बेसिकली दिस पर्टिकुलर एनायन होता है इन थ्री माइनस यानी इसका चार्ज में क्या होता है नेगेटिव थ्री चार्ज होता है तो इसका वैलेंसी होना है थ्री एल्युमिनियम का भी वैलेंसी होता है थ्री बस अभी क्रिस क्रॉस कर दो और ए एल थ्री एन थ्री हो रहा है लेकिन ए एल थ्री एन थ्री को हम ट्रेडिशनल मेथड में नहीं लिखते हैं इस तरीके से नहीं लिखा जाता है अगर ऐसा होता है तो आप इसको सिंपलेस्ट जो फॉर्म है वहाँ लेके आ जाओगे इसका रीजन क्या है इसका रीज़न ये है कि अगर आप एक मॉलिक्यूल ऑफ एल्यूमिनियम को ले नाइट्राइड को लेते हो तो एक मॉलिक्यूल ऑफ एलुमिनियम नाइट्राइड में एक एलुमिनियम और एक नाइट्रोजन ही रहेगा ऐसा नहीं है कि तीन एटॉम ऑफ एल्युमिनियम एंड तीन एटॉम ऑफ नाइट्रोजन मिलके एक मॉलिक्यूल ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड हो रहा है तो इसीलिए ये गलत है इस तरीके से नहीं लिखा जाता है यही होता है प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन व्हिच इज़ इन ऑप्शन डी आई होप ये समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है थैंक यू सो मच